लॉ बोर्ड मुर्दाबाद 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 ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुर्दाबाद 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 ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड गोबे 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 ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड गोबे 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 ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हाय 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 ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हाय 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 जी हमारे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो मुफ्ती मकीबुर रहमान साहब थे उन्होंने अभी कुछ दिन पहले अपने कमेटी से बर्खास्त किया गया और बाद में हमें पता चला अभी कुछ दिन पहले अभी कल से ज़्यादातर हमें पता चल रहा है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी हैं वो लोग आ रहा है और वो लोग जो आ रहे हैं असम में वो किसके ज़रिए आ रहा है किससे बातचीत किया किससे कांटेक्ट किया वो फ़िलहाल हमें पता नहीं चला। वो हमें जो है एक महीने पहले कॉल किया था हमारे अहले सुन्नत अल जमात की कई उलमा से उनकी बातचीत हुई उन्होंने फ़ोन किया कि हम लगभग एक डेढ़ महीने बाद जाएंगे मगर अचानक वो लोग आ रहे हैं किसको बता के आ रहा है किसके साथ कॉन्टेक्ट किया किससे बातचीत किया हमें कुछ मालूम नहीं कुछ खबर नहीं मगर वो लोग पहले तो ये कह रहे थे कि हम जो है अहले सुन्नत वल जमात के मानने वाले हैं आला हज़रत के मानने वाले हैं ख्वाजा अजमेरी साहब को भी मानने वाले हैं अब्दुल कादिर जिलानी को भी मानने वाले हैं मगर ये लोग जो आ रहे हैं अभी किसको कॉल किया किससे बातचीत किया हमें बिल्कुल पता नहीं और हमें कुछ खबर भी नहीं दिया। हमारे गुवाहाटी के मौलाना आजम साहब भी है मुफ्ती नबील साहब भी है उन लोगों को भी पता नहीं तो ऐसे इस तरीके से जो आ रहा है अपनी मर्ज़ी से आ रहा है हमें पता चला हमें शक हुआ कि ज़रूर इन लोगों ने किसी गैर आदमी से किसी और से कांटेक्ट करके हमारे असम में आ रहा है इस बात को हम जो है निंदा करता हूँ इनको जो है हम अपने दिल में लिया नहीं हमें बहुत बुरा लगा ये बात सुन के तो हमारी तरफ से इनके लिए हमारे दिल में कोई जगह नहीं हमारे असम में इनके लिए कोई जगह नहीं। धन्यवाद ज्ञापन करिसु अपना लोके खबर तो पाई जे आमार सत आहिसे कथा हल जे आमार ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डर जी सभापति आसिले मुफ्ती मकीबुर रहमान साहब तेओ इतिमध्ये हेइ सभापतिर परा बखस करिसे बखस्त करा होइसे गतिके एतिया आमी जना मते आमी गम पुआ मते दिल्लीर परा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डर सभापति सेक्रेटरी তেওঁলোক আমাৰ লগত আজি একমাহ আগত যোগাযোগ কৰিছিলে আমাৰ লগত আলোচনা কৰিছিলে কিন্তু আলোচনা কৰাৰ পিছত আজি হঠাৎ তেওঁলোক আহি আছে বুলি আমি গম পাইছোঁ যদিও তেওঁলোকে হঠাৎ কাৰ লগত আলোচনা কৰি আহি আছে কাক জনাইছে কেতিয়া জনালে কি ক'লে আমি ইয়াৰ বিষয়লৈ একো গম নাপাওঁ আমি ক'ব নোৱাৰোঁ গতিকে আমাৰ গুৱাহাটী মৌলানা আজিম চাহাব মুফতি নবীউল চাহাব তেওঁলোকৰ লগতো যোগাযোগ হৈছে কিন্তু তেওঁলোকে যে ইতিমধ্যে আহি আছে কাৰ অৰ্থত আহি আছে কাৰ লগত যোগাযোগ কৰি তেওঁলোক ইয়ালৈকে আহি আছে আমি এতিয়ালৈকে গম পোৱা নাই আৰু তেওঁলোকক নিশ্চয় কোনো বেলেগপন্থীয়ে মাতিছে এইখিনি কথাৰ কাৰণে সেই কথাটো আমাক তেওঁলোকে জনোৱা নাই গতিকে আমি এই কথাটো গম পাই আমি বহুত দুখ পাইছোঁ আমি তীব্ৰ নিন্দা কৰিছোঁ তেওঁলোকক আমি গৰিহণা দিছোঁ যে তেওঁলোকে এনেকুৱা দুমুখীয়া কাম কিয় কৰিলে কি কাৰণত কৰিলে এই কথাটোক আমি সম্পূৰ্ণ ধিক্কাৰ জনাইছোঁ। নাই আমি এতিয়া যে তেওঁলোকে নতুন কমিটি গঠন কৰিব সেই কথাটো লৈ আমাৰ লগত কোনো আলোচনা কৰা নাই আমাক কোনো কথা জনোৱা নাই গতিকে আমি বিভ্ৰান্তিত পৰি গৈছোঁ। নাই আমি যদি আমাৰ লগত তেওঁলোকে যোগাযোগ কৰা নাই আমাক জনোৱা নাই আমি তেওঁলোকৰ লগত নাই আমি থাকিব নোৱাৰিম তেওঁলোকৰ লগত নাই তেওঁলোকৰ আমাৰ আহলে সুন্নত ৱাল জামাত বেইলিপন্থীৰ লগত তেওঁলোকৰ কোনো যোগাযোগ নাই তেওঁলোকে যেতিয়া আমাৰ লগত কথা পাতিছিলে তেতিয়া তেওঁলোকে কৈছিলে যে আমি আলা হজৰতৰ মান্যৱালা খাজা আজমিৰ ৰহমতুল্লাহ আলাই খাজা মইনুদ্দিন চিচিন ৰহমতুল্লাহ আলাইৰ মান্যৱালা আব্দুল কাদিৰ জিলানী ৰহমতুল্লাহ মান্যৱালা যদিও কৈছিলে কিন্তু এতিয়া তেওঁলোকৰ ভিতৰত আমি একো দেখা নাই গতিকে আমি তেওঁলোকক তীব্ৰ নিন্দা জনাইছোঁ।